और अब बिहार की खबरें देखेंगे। बिहार में कब होगा एनडीए विधायक दल के नेता का चुनाव? कांग्रेस की बैठक में क्यों हुआ हंगामा? और आरजेडी ने फिर काउंटिंग पर क्यों उठाए सवाल? देखते हैं टॉप नाइन बिहार में नीतीश सरकार। बिहार में राज्यपाल ने सीएम नीतीश कुमार की अनुशंसा पर 16वीं बिहार विधानसभा को भंग कर दिया है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। नई कैबिनेट के गठन तक नीतीश कुमार कार्यवाहक सीएम के पद पर बने रहेंगे। कैबिनेट की आखिरी बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने बेहतर काम के लिए सभी मंत्रियों को धन्यवाद दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में अच्छे काम के लिए अधिकारियों की प्रशंसा की गई। बिहार में विधायक दल का नेता चुनने के लिए 15 नवंबर को एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी। जेडीयू, बीजेपी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और वीआईपी के विधायकों की बैठक 15 नवंबर को होगी। 15 नवंबर को होने वाली एनडीए की बैठक से पहले जेडीयू, बीजेपी और वीआईपी के विधायकों की अलग अलग बैठक होगी। बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। सभी पार्टियां राज्यपाल को एनडीए के नेता के समर्थन में पत्र भी सौंपेंगी। बिहार में भागलपुर विधानसभा सीट से जीते अजीत शर्मा को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। मोहम्मद आफाक आलम को कांग्रेस विधायक दल का उपनेता बनाया गया है। राजेश कुमार राम को मुख्य सचेतक और छत्रपति यादव को उप सचेतक बनाया गया है। विधायक दल का नेता चुनने के लिए हुई कांग्रेस की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। विधायक सिद्धार्थ सौरभ और विजय शंकर दुबे के समर्थकों के बीच हाथापाई और गाली गलौज हुई। कांग्रेस ने हंगामे और मारपीट की जांच के आदेश दिए हैं। बिहार की चकाई सीट से जीते निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने जेडीयू का समर्थन किया है। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद सुमित सिंह ने जेडीयू को समर्थन का ऐलान किया। सुमित पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे हैं। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने कहा कि विपक्ष की तरफ से उन्हें साथ आने के लिए फोन आ रहे हैं। मांझी ने कहा कि वो एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने ट्वीट कर बिहार में चुनावी नतीजों पर फिर से सवाल उठाए हैं। मनोज झा ने कहा कि बिहार में जनादेश को शासनादेश निकल गया। आरजेडी चुनावी नतीजे आने के बाद काउंटिंग पर सवाल उठा रही है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है? सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।